आइए बात करते हैं सत्यपाल मलिक पर। मलिक साहब ने 1960 में अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की तथा अलग अलग पार्टी से एमएलए एवं लोकसभा मेंबर रहे। 2004 में बीजेपी ज्वाइन किया तथा 2012 में भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे। सबसे इम्पोर्टेंट, अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने, जो कि मलिक साहब का पार्टी में विशेष स्थान दर्शाता है। इसके अलावा बिहार और मेघालय के गवर्नर भी बने, लेकिन राजनीति में नेता तो नेता होता है, क्योंकि अभी हाल ही में जर्नलिस्ट करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा टेरर अटैक के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर कथित तौर पर एलिगेशन लगाए हैं। इसके तर्क में भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट की तरफ से कोई विशेष टिप्पणी सामने नहीं आई, बस गवर्नमेंट की साइलेंस ही देखने को मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।